राजा भी आए क्योंकि पहले भी आ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इशफाक। तो तुसा दे पे मेरा यूट्यूब चैनल जियो सरे की। दोस्तों मैं उम्मीद करना तुसा खैरत नाल होसो, तो तुहाडी बहु ही चंगे गुजरदे पे हो सन। दोस्तों ते भिरावो, अज जुमे दा दिन है, तो पता भी है जुमे वाली वार सारे पासे कबड्डी दा मेला होंदे। ते अज समय दे पैसे कबड्डी दे हूं मेले ते अज सुनया ता है से कबड्डी बहु अच्छी है, बहु ही चंगी है, लेकिन ए उथे ही मानते पता लग सी कि कबड्डी केंजी है, क्योंकि बाकी जरा पहले कबड्डियां थी गन हूँ दी निस्बत पिछली कबड्डी ते है, ए चैलेंज थी हा मलाना बरादरी दे जोया बरादरी दे दरमियान, के तुसा है ता अपने बंदे गिनते वा है मलाना बरादरी आख्या जोया बरादरी को कि असा तो नाल कबड्डी खेडसूँ, कि तुहाड़ा है ता पानी कछे सूँ कि तुसा किरे पानी च वे। तो दोस्तों ये चैलेंज वाली कबड्डी है, ये लाजमी तुसा देखनी है, हिंदा कोई तुसा है ता सीन मिस नहीं करना, तो ही वीडियो को तुसा एंड तक दिखाए। हाँ अगर ये वीडियो अच्छी लगे को लाजमी लाइक लाजमी कर दिवाए, तो अगर तुसा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेहरबानी कर दी को लाजमी सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि मेरी हर आने वाली नवी वीडियो तक सब तो पहले मिलती रहे। तो दोस्तों हूँ जुलदे से कबड्डी के मैदान है, तो तुसा मेरे नाल रहा है। दोस्तों अस हूँ वेंदे पैसे, तो मेरा भतीजा छोटा मेरे नाल है, तो हम हमेशा मस्जिद आप अबू कुछ कहते सा, क्योंकि अब मेरा अबू मेरे नाल वेंदा पे वादे मेरे को की जोल, तो अस वेंदे पैसे अब कबड्डी से, तो हम वेंदे से मस्जिद उठो के रेता वाले से पूछे सा वाला है तबे सा। दोस्तों वाले साहब मेरा हाल ही नहीं वेंदा हूँ आके मेरे को लेट हाँ, मैं देर है मेरे को बाद आवे सा कि तुसा वंजो को आपको लेट ना थी वे, तो जुलदे पैसे। तो एक कबड्डी का जरा मैदान है ना, ये असा तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले ते है, क्योंकि ज़्यादा सफ़र कह नहीं, तकरीबन 4 बजे कबड्डी शुरू थी, क्योंकि दिन भी ठंडा थी पे वेंदे, तो हूँ बाद क्या थूड़ है। अच्छा हूँ बाद लोग इतना अपने काम कार को फारे थी जन ये दिठे वे लोग इतना अपने काम कार को फारे थी जन ध्यान कर दोस्तों इतों के चपदी पी मिट्टी खेतों के ट्रालियां मिट्टी ढोने के भट्ठे किते सागो जलील की पेन इतों के टप्पण का रस्ता क्या नहीं, सारी धूल सारा इतना इतों के रही पाउडर वगैरह ताको बर्बाद की थी पे। अच्छा मैं क्या था पी हम ताकूँ कि असा इतना हूँ वेंदे पैसे, क्योंकि 4 बजे कबड्डी शुरू थी, कबड्डी ज़्यादा टाइम हों 4 बजे ठंडे टाइम को ही कबड्डी शुरू थी है, या असा ज़्यादातर किसान हैं वो कम कार करूँ डंगर वगैरह करूँ जानवर को फारे थी तो है वाला वो सारे कबड्डी दो वाला इतना आ वेंदन, तो असा हूँ वेंदे पैसे। मैं हूँ तक चलता पे मैं रोड पर हूँ बाद आओ आओ आओ। अच्छा हम दोस्तों मैं रोड चढ़ गए से बाकी तरीबन किलोमीटर का फासला सारा हो सी। दोस्तों जी एक कबड्डी मेला वगैरह ये सारे सरेकी कल्चर की बहुत ही बड़ी पहचान है, क्योंकि सारा पंजाब इन चीज़ों की वजह तो ही मशहूर है, कुश्ती कबड्डी नेजाबाजी मेले ठेले ये सारे अपने सरेकी कल्चर सारे पंजाबी कल्चर की वही पहचान है, इन बगैर इवें समझ गिनो कि साढ़े पंजाब की रूह ही कह नहीं। दोस्तों ये तो जन दे मोबाइल आन सारी है नवी जनरेशन जिंद अस शामिल से वो मोबाइल तो ज़्यादा है यूज़ करा वो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कराने बाद चीज़ें को भूलती वेंदी आई। सारे इलाके के कुछ बुजुर्गें ही मेले की रिवायत को वला जींदा किते उन्हें कबड्डियाँ वला है शुरू करा दितन, कि सारी नौजवान नशियां दो या है तो ये मोबाइल के गलत इस्तेमाल तो ना वे तो वो है तो असल है तो देसी पास दो वे कुश्ती पहलवानी दो वो। अरे चाचा जुलू कबड्डी दो आओ क्या है आओ। दोस्तों हूँ कबड्डी का मैदान के नज़दीक आ गए से आवाम सारी वेंदी पई है, हाँ अच्छा वे भी थी रस्ते तू सवेरे से टुरे आवे मैं पे चुसे ना। अच्छा ये हाली असा जल्दी आ गए से, क्योंकि आवाम हाली सारी आंदी पई है।
रेतला रास्ता है क्योंकि ज़्यादा रेत है, इतना रेत देना वाला जाता है दोस्तों, तमाम देख सकते हुए आज नहीं थी सिक्को पट्टी तू क्या कहना है तेरा क्या काम नहीं था मेरे को साथ। अस्सलाम वालेकुम जानी, क्या हाल है? ठीक है मैं तबीयत ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? ठीक है वे तबीयत ठीक है। क्या हाल है चाचू? ठीक है वे तबीयत ठीक है। क्या हाल है? ठीक है तबीयत ठीक है। हजन तहली अमाम अंदी वदी है, क्या हाल है आज या दोस्तों? असम कबड्डी के मैदान में पहुंच तक गए से, लेकिन हाली अवाम अंदी वदी है, बहुत चंद ही बंदे आए बैठे, कुछ ज्यादा कह नहीं आए, लेकिन टाइम तकरीबन घड़ी तो है क्या ना, पर टाइम थी मना लाए हूँ पहलवान आवन वाले ते आज जोया बरादरी दे नाल मलाना बरादरी दा मुकाबला है, क्योंकि पिछले जुमे है ता चैलेंज थी आ, आज के अपना जोया बरादरी ही चैलेंज दी लाज रखें दी है या कहना दोस्तों। पिछली जारी कबड्डी थी आई वही मैदान से थी आई, क्योंकि हूँ जा रहे रूटर वेटर मारे आने ते नवा बनाया आने, लेकिन आज जी कबड्डी थी वो पहले हाले मैदान थी थी, जो पहले जितना वो बाल खेलते वे उतना ही थी, क्योंकि इतना पानी लाते तो रूटर मारते, क्योंकि वो मैदान ही दिन इस बार चंगा है, क्योंकि इतना धूड़ वगैरह मिट्टी वगैरह की वजह तो पहलवान की पहलवान की तबीयत खराब थी मैंने पैदी है, लेकिन उतना क्या रहे था बहुत अच्छी कबड्डी थी सी, तो आपको जुदा मैदान दिखेना दोस्तों। इतना ही कबड्डी थी सवे, क्योंकि ये नवा मैदान बने दोस्तों। आज जी कबड्डी है वो अलविदाई कबड्डी है, क्योंकि हिंदे बाद कबड्डी का सारा है तो प्रोसेस ही खत्म थी गए, क्योंकि हिंदे बाद कबड्डी को ख़त्म करें दे पैन, क्योंकि पुलिस तंग करें नहीं खड़ी है, अभी कोरोना की वजह तो ज़्यादा बंदे का रश ना थी वे, क्योंकि देहात पुलिस का डंडा ही चलता है, कोई कानून कहीं को पता ही क्या नहीं होंगे, तो उतना रुके नहीं खड़ी कितना के कबड्डी आखिरी थी वे, हिंदे बाद कबड्डी का सारा ख़त्म कर दो, तो इंशाल्लाह अगूते हफ्ते दो हफ्ते बाद कबड्डी रखे सन, लेकिन फिलहाल ये आखिरी कबड्डी है। हिंदे बाद साढ़े सरे की देसी जे इनामात होंगे पगू कपड़े वगैरह पहलवाने को तकसीम करे सन, तो वह भी तुम एंड तक लाजमी देख सो दोस्तों। ही कबड्डी के मैदान के नाल मशीन एक सैलेज बने नहीं वी है मकई का जानवर ने किते, मैं कहता वो दिखा के ना कि सैलेज किमें बनते मकई का और रल मिलते दे तू कटे बनते हैं।
ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੈਲਜ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਖਾਵਣ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਰੇ ਚੌਥੇ ਮਰੇ ਦੇ ਪੈਣ ਯਾਨੀ ਕੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਪੈਣ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਹੈ ਰਨ ਥੀ ਵਣ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਮਮਦਾਨ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਰੂਹ ਰਵਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਖੜੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਰੌਣਕ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਗਵਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁ ਨਾਂ ਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਥਤਕਾ ਇਹ ਚਾਹਤਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਿਊਅਰ ਆਇਆ ਖੜੇ ਕੱਲ ਦਫਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਸੀ ਦੋਸਤੋ ਕਬੱਡੀ ਕਿਤੇ ਢੋਲ ਸਰੇ ਨਾ ਖੜੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਵਾਮ ਅਸਲ ਖਿੰਡੀ ਪੁੰਡੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸੈਲਜ ਬਣਾਉਣ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਲਾੜੀ ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਮਾਰੀ ਖੜੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਆਵਾਮ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫੁੱਲ ਵਾਹ ਚਾਚਾ ਵਾਹ ਖੜਕਾ ਚਾਚਾ ਖੜਕਾ ਖੜਕਾ ਆ ਸਾਡਾ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਕਬੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਲ ਤਾਂ ਅੰਧੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਲਾਣਾ ਟੀਮ ਦੇ ਇਹ ਖਿਲਾੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਹੈ ਜੋਇਆ ਟੀਮ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ ਖਿਲਾੜੀ ਆਏ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਖਿਲਾੜੀ ਆਏ ਖੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੌਥੇ ਮਰੇ ਨੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜੋਇਆ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋਇਆ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਮਲਾਣਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾੜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਚਾਚਾ ਮਮਦਾ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਮਮਦਾਣੀ ਵਧੇ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਮਮਦਾ ਬਸ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੋਇਆ ਟੀਮ ਅਤੇ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮਲਾਣਾ ਟੀਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਿੰਦਾ ਉਸਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਥੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਥੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਿੰਦਾ ਉਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਹਦਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਪਿਆ ਜੋਇਆ ਟੀਮ ਅੱਜ 40 ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਲਾਣਾ ਟੀਮ ਅੱਜ 100 ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਪਏ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਗਏ ਵਧਣ
सुलह करावन ते तकरीबन 50 नंबर ते गाल मोगी है 50 नंबर है ते एक कबड्डी है जिन ने 50 सब तो पहले थी सन ओही कबड्डी जीत।